Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और आज हो जाएगा रमज़ान का छठा रोज़ा. तो मैं आप लोग के साथ अपनी रमज़ान रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि इस मंथ में ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है, तो हो सकता है रिकॉर्ड ना कर पाऊँ फुल रूटीन. लेकिन कोशिश करूँगी कि जो जो पॉसिबल हो सके वो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ. और अभी फ़िलहाल सहरी बनानी है, तो मैं किचन में जाऊँगी, सहरी की तैयारी करूँगी. मतलब हमें रोटियाँ बनानी है, तो या किचन में चलते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं. किचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कॉमेंट शेयर कर दें. ओके गाइस, तो हम लोग किचन में आ चुके हैं और अब हम लोग बनाने लगे हैं रोटियां. और फरियाल बेल कर देगी और मैं सेकती जाऊंगी. इसी तरीके से हम लोग अक्सर रोटियां बनाते हैं, मतलब एक बंदा बेलता जाता है और एक बंदा सेकता है. सो या अब जल्दी से रोटियां बना लेते हैं इससे पहले के सहरी का टाइम हो जाए. सो या ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फरियाल ने पेड़े बना लिए हैं और यहाँ पर ये बेलती जा रही है रोटियाँ. अब जब ये बेल लेगी तो मेरी बारी आएगी सेकने की. फाइनली गाइस, रोटी तो दल चुकी है तवे पर, अब जल्दी से ये पके तो फिर मैं इसको पलटूं. फाइनली गाइस, रोटी तो सेक चुकी है, एक रोटी तैयार है. तो गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग को रोटियां बनाना सिखा रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. अब जो आप देखोगे ना, वो स्पीड में चलेगी. आप लोग देख सकते हैं कि फरियाल से हो गई है मिस्टेक, यहाँ पर उससे रोटी टेढ़ी दल चुकी है. लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर होता रहता है ऐसा. तो ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं और सालन जो है वो पहले से रेडी हो चुका था, मतलब मम्मा ने पहले ही बना लिया था, तो वो तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो सहरी हो चुकी है मुकम्मल, मतलब सहरी रेडी हो चुकी है. अभी तो करेंगे, मैं आप लोग को सालन दिखा देती हूँ कि सालन में क्या बना है. ठीक है गाइस, तो सालन को खोल के देख लेते हैं कि क्या बना है. पहले ये चम्मच पता नहीं दो क्यों रखे हुए. सो हम लोग चेक कर लेते हैं कि सालन में क्या बना है. तो देख सकते हैं सालन में बना हुआ है लौकी की सब्ज़ी, साथ में चने की दाल. तो अभी मैं आई थी छत पर और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब धूप तो हो रही है लेकिन हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं. अभी बीच में बारिशें हुई थी ना, तो उसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं. और क्या कहते हैं, अभी तो परिंदे भी आए हुए, ये देखें मौसम अच्छा हो रहा है. तो मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इग्नोर क्यों करिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, मतलब मेरी आवाज़ अभी गला बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से ना आवाज़ ख़राब हुई हुई है, तो उसको थोड़ा सा साइड कर दिया. अरे कहना क्या चाहते हो, जैसी आवाज़ अभी उसी में एडजस्ट कर लें. और क्या कहते हैं, मैं छत पर इसलिए आई थी क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि मौसम की क्या सूरत हाल हो रही है. तो काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है. तो मौसम को एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि नीचे जाके मुझे फिर वर्कआउट करनी है और मैंने काफ़ी टाइम के बाद वर्कआउट स्टार्ट करी है. तो फिर मैं वर्कआउट करूँगी, उसके बाद फिर अफ्तारी वगैरह की तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा. सो या तो गाइस, परिंदे भी ना थोड़ी देर के लिए आए थे, मतलब अभी चले गए हैं टाटा बाय बाय कहकर. तो अब मैं भी नीचे जा रही हूँ, तो बाय बाय परिंदो, बाय बाय. ओ वाओ, वो देखो यार, अगर आप लोग को दिख रहा हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, वहाँ बादल आए हुए छोटे छोटे.
तो या नीचे चलते हैं, लेट्स गो। तो अफ्तारी का टाइम हो चुका था और मैं यहाँ किचन में आ गई थी और अफ्तारी की तैयारी करने लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शरबत बनाया और शरबत में मैं अब चीनी नहीं डालती, मतलब जब पिछले रमदान होते थे ना तो उसमें मैं चीनी डाल रही होती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जब डायरेक्टली इतना मीठा हो जाता है तो चीनी डालने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बस शरबत डाला और पानी डाला और यहाँ पर हमारा शरबत तैयार हो चुका है फाइनली। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं पकोड़ों का बेसन तैयार कर रही थी और ये जल्दी जल्दी में मुझसे बेसन ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि जब ज़्यादा निकल ही गया तो चलो कोई नहीं, आज पकोड़े ज़्यादा बना लेते हैं। और बेसन में मैंने सिर्फ सिंपल चीज़ें डाली थी जो कि था नमक, कुटी मिर्च और साबुत धनिया, और बस यही डाला था। और फिर मैं बेसन को मिक्स करने लग गई और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे, और मिक्सचर इतना होना चाहिए कि जिससे पकोड़े अच्छे तैयार हो जाए। तो गाइस आज जो है वो मैं तीन टाइप के पकोड़े बना रही थी जो कि हैं आलू के, मिर्चों के और पालक के। और मेरे जो फेवरेट पकोड़े हैं वो हैं मिर्चों के, क्योंकि पता नहीं क्यों बस मुझे जो है ना मिर्चों के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के सबसे फेवरेट पकोड़े कौन से हैं। तो यहाँ पर वैसे मैंने बॉयल करे थे आलू क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने इस वजह से बॉयल कर लिए थे, लेकिन बिना बॉयल करे हुए भी हमारे पकोड़े जो हैं आलू के वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं मिर्चों में चाट मसाला भर रही थी और जब ये मसाले भर जाएंगे इसमें तो फिर हम लोग इन पकोड़ों को फ्राई करेंगे। रेडी हो चुके हैं हमारे पकोड़े आलू के और मिर्चों के, अब बस पालक के पकोड़े फ्राई करने रह गए। तो मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर रही थी कि यहाँ पर ये भी फ्राई हो जाएं क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया था। ओके गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने अफ्तारी कर ली है और वैसे तो थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब जब मैं पालक के पकोड़े बना रही थी ना तब अजान की आवाज़ आ गई थी, लेट हो चुका था, बट कोई बात नहीं, बाकी पकोड़े रेडी हो गए थे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, मतलब हमारी अफ्तारी अच्छे से हो गई है। सो या इसी के साथ साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। एंजॉय कर, गला ही बैठ गया, हवा बहुत मेरा गला टक चुका है, दर्द हो रही है ना क्योंकि बारिश हो रही थी ना बीच में, यार मेरा दुपट्टा इतना उड़ा मेरा दुपट्टा उड़ा मैं कैसे